हेलो गाइस, आज मैं संतरे की बर्फ़ी बनाने वाली हूँ। ये देखो, मैंने 2 किलो संतरे लिए हैं। सारे बीज मैं निकाल रही हूँ इसी तरह से कटिंग करके, और मिक्सी में डाल के मैं सब एकदम बारीक पीस लेना है इसे। ये देख लीजिए, ऐसे पीस के रेडी करना है। एक कढ़ाई में मैं दूध गरम कर रही हूँ, पहले से ऑलरेडी गरम था वो। इसे मुझे मावा बनाना है गरम करके। अब ये जो मैंने जूस निकाले थे सारे मैं छान के एक कढ़ाई में डाल दिया है, और दूसरी कढ़ाई में मैं दूध उबाल रही हूँ, और इसको इसी तरह से चलाते रहना है। यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। और आरारोट मैंने डाला है 3 चम्मच के करीब, ये मैं संतरे के जूस में ऐड करूँगी, और इसे कंटिन्यू ऐसे ही चलाते रहना है। मैंने गैस एकदम फास्ट करके रखा है, दूध का स्लो मैंने किया है, और ये जूस वाला है जो उसमें मैं शक्कर डाला है। शक्कर ज़्यादा ही डालना क्योंकि संतरे खट्टे होते हैं। 1 चम्मच घी डाला है मैंने, और ये देखो मावा बन के तैयार है। उस मावे में मैंने जो संतरे का जूस था वो मैंने उसमें डाल दिया है गाढ़ा करके, इलायची पाउडर डाला है। अब इसी तरह से पकाते रहना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ये देख लीजिए, ब्राउन हो चुका है अच्छी तरह से, और अब ये जमने के लिए रेडी है। एक थाली में मैंने नारियल का मुरादा लिया है, बुरादा जो बोलते हैं उसे, उसमें फैला देना है। ये देख लीजिए, बहुत ही जल्दी से, फ्रिज में रखा ही नहीं जाता, ऐसे ही मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये देख लीजिए, इसी तरह से मैं इसे कटिंग कर लूँगी। एकदम अच्छे से बन के तैयार है, बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम दानेदार बना हुआ है, क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर भी डाला है मावा बना के अच्छी तरह से। बहुत ही अच्छी, इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। इसी तरह से बनाएंगे तो बहुत आसानी तरह से बन जाता है। बाय दोस्तों।